मुझे नहीं पता गाइज आप लोगों को क्या लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रहा है कि गरीना वाले ने यहाँ पर से बोला था 5 सितंबर को हमारा गेम रिलीज होगा इंडियन सर्वर पे, वो भी फ्री फायर इंडिया के नाम से, लेकिन यहाँ पर भाई ज्यादा ही टाइम यहाँ पर से हो गया और अभी तक फ्री फायर इंडिया का कुछ भी अता पता नहीं है भाई। फ्री फायर इंडिया रियली में इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं होगा या फिर क्या दिक्कत है भाई, गरीना ने इस चीज को लेकर बहुत बड़ा मजाक किया है। ये चीज आपके मन में डाउट चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, मेरे मन में बहुत ज्यादा डाउट चल रहा है भाई, लेकिन उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मुझे पता है आप लोगों में से काफी सारा लोगों को ये डाउट श्योरली होगा। जब मेरे अंदर ये बात चल सकता है कि फ्री फायर इंडिया शायद गरीना वाले ने एक हवा बना दिया ताकि ओल्ड प्लेयर यहाँ पर से वापस आ जाए और गेम का एक बार लत लग जाए तो वो गेम प्ले करना शुरू कर देगा, तो सिंपली हम लोग फ्री फायर इंडिया के नाम से एक थोड़ा सा रूमर निकाल देते हैं ताकि ओल्ड प्लेयर यहाँ पर से आ जाए, हमारा ऑडियंस रिटेंशन वो ज्यादा हो जाए। तो ऐसा कोई बात नहीं है, फ्री फायर इंडिया के ऊपर हम लोग आज वीडियो में बात करने वाले हैं, वो भी पूरी तरीके से और पक्की इन्फॉर्मेशन के साथ गाइस कि क्या है फ्री फायर इंडिया और क्या ये रियली में इंडियन सर्वर पे आएगा या फिर ये सिंपल एक हवा था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें मेरे भाई चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। एंड गाइज आप लोगों के हेल्प एंड सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर से दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो सबसे पहली बात, आपने जो स्टार्टिंग में वेबसाइट देखा होगा फ्री फायर इंडिया रजिस्ट्रेशन का, तो वो एक फेक वेबसाइट है, नॉर्मल है भाई, वो एक सिंपल पब्लिक को यहाँ पर से इंप्रेशन जमाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, आप लोगों को बहुत सारा लोगों ने वीडियो पे दिखाया होगा इस टाइप का, यहाँ पर से आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन है भाई लिंक मिलेगा जहां पर से आप लोग जाकर रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला फ्री फायर इंडिया के साथ, जिस तरीके से आप लोग प्ले स्टोर पर सिंपल रजिस्टर कर रखे हो आपको सिर्फ उतना सही मिलेगा। और गाइस यहाँ पर गरीना की तरफ से साफ साफ कहा गया भाई कि गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी भी चीज़ को लेकर या फिर इंडिया नाम से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है और 5 सितंबर को हमारा गेम जो रिलीज होने वाला था इंडियन सर्वर पे इतना बड़ा मार्केट में भाई, और हम लोगों ने इस चीज़ को भी यहाँ पर से रोक रखा है, ये ना कि इंडिया के नाम से और ना ही गवर्नमेंट का प्रेशर से, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का जो गेम बना था फ्री फायर इंडिया, आप सभी को पता है गाइस कि पबजी की अगर बात कर ले तो उसका ग्राफिक्स कुछ अलग टाइप का है और वो लो डिवाइसेस पे काम नहीं करता है, और फ्री फायर जब इंडिया में आया तो वो बहुत ही छोटे छोटे डिवाइस में जिसके 1GB रैम था 2GB रैम था उसके फ़ोन में काम कर रहा था। हालांकि आज तो 1GB या 2GB का फ़ोन मार्केट में आता ही नहीं है, 4GB से ऊपर का ही बात कर लो, अगर आप 12,000 का भी फ़ोन खरीदते हो फिर 8,000 का भी फ़ोन करते हो तो मेरे को नहीं लगता अभी 4GB रैम से कम का फ़ोन आप लोगों को मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। तो जब गरीना ने इस चीज़ को टेस्टिंग किया भाई लो डिवाइसेस में, फॉर एग्जांपल 3GB का रैम पे या फिर 2GB का रैम पे या फिर 4GB का रैम पे, तो उसको थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पर से लैग इशू और पिंग उसे यहाँ पर से देखने के लिए मिला। अब गाइज गेम जब भी कोई गेम न्यू आया मार्केट में उसी टाइम से उसका लैग और पिंग इशू अगर स्टार्टिंग हो जाए उस वर्जन का तो ऑडियंस का मन जो है थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप होने लगता भाई कि अब इतना टाइम तक इन लोगों ने मेहनत किया और गेम को अभी तक इम्प्रूव नहीं कर पाया और क्या फालतू वाला चीज़ दे दिया, हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। इसके वजह से गरीना ने क्लियर कर दिया भाई कि हम लोगों का गेम रिलीज जो नहीं किया भाई इसका मेन रीज़न यह है कि हमारा डेवलपर जो पूरी तरीके से फ्री फायर इंडिया के ऊपर काम नहीं कर पाया था, लेकिन फ्री फायर इंडिया श्योरली आएगा और आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बीच में जो बात हुआ था रूमर जो निकला था कि फ्री फायर इंडिया का नाम यहाँ पर चेंज होने वाला है, भारत रखने वाला है, इसके वजह से फ्री फायर इंडिया नहीं आया और फ्री फायर भारत के नाम से गेम आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्री फायर के नाम से ही गेम आएगा, फ्री फायर इंडिया के नाम से ही गेम आएगा और ये गेम आप लोगों को इसी साल भाई एंडिंग से पहले आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों को 100% ये गेम देखने के लिए मिल जाएगी इंडिया के नाम से। एंड गाइस आप लोग कमेंट बताना भाई कितने ऐसे लोग हैं जो चाह रहा है कि फ्री फायर इंडिया जल्द से जल्द यहाँ पर से आ जाए, क्योंकि फ्री फायर इंडिया जैसे ही आएगा आप लोगों को यहाँ पर एक टूर्नामेंट देखने को मिल जाएगा, ई स्पोर्ट्स चालू हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ जो कि हम लोग मिस कर रहे हैं भाई, गिव अवे हो गया, ये सब चीज़ हो गया, लाइव वॉचिंग पे आप लोगों को गिव अवे मिलेगा, माइलस्टोन कंप्लीट करवा आप लोगों को गिव अवे मिलेगा, इस टाइप का चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, पर्सनली भी फ्री फायर इंडिया को यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बताना कितने ऐसे लोग हैं जो फ्री फायर इंडिया को मिस कर रहे हैं। एंड अगर आप भी इंडिया से देख रहे हो वीडियो को तो प्लीज वीडियो को नीचे #इंडिया जरूर से जरूर मेंशन कर देना।